हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज वेबिनार। सो आज फिर हम लोग वेबिनार कर रहे हैं बिजी इकॉम प्लगइन का, एंड आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव रीनेम्ड इट एज बिजी इकॉम। तो इसी नाम से हम लोग यूज करेंगे आगे वेबिनार के अंदर। लास्ट वेबिनार में वी हैव सीन द ऑर्डर डाउनलोड ऑप्शन इन दी बिजी प्लगइन, एंड इन टुडेज वेबिनार वी विल सी पार्ट ऑफ ऑर्डर डाउनलोड एज वेल एज द रिकॉन्सिलेशन ऑल्सो आफ्टर द पेमेंट इज डाउनलोडेड। सो इन टुडेज वेबिनार करण इज गोइंग टू डू द प्रेजेंटेशन एंड द ट्रेनिंग। सो करण, हैंड ओवर टू यू, कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू सर। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अपन हम लोग अगेन एक बार रीकॉम प्लगइन पर वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रीवियस भी हम इसको कवर करेंगे जो पीछे हमने कवर किया था, कि ऑर्डर डाउनलोडिंग और सब कुछ कवर करेंगे एक शॉर्ट में, एंड देन फिर अपने पॉइंट पर आ जाएंगे कि क्या नई डेवलपमेंट्स हैं और क्या अपकमिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हम सभी को पता है क्या रीकॉम, तो इसके लिए तो हम जितने भी हमारे आज के जितने भी एसोसिएट्स हैं सबको मालूम है कि रीकॉम है क्या। रीकॉम बेसिकली ई ई कॉम का नाम रीनेम करके रीकॉम कर दिया, रिकंसिलिएशन विद ई कॉमर्स। सो ये एक प्रोसेस है। रीकॉम एक प्लगइन है जो कि अपना बिजी का इंटरनल एड ऑन है, जिसकी हेल्प से हम अमेजोन फ्लिपकार्ट शॉपिफाई का डेटा डायरेक्टली बिजी के अंदर सिंक कराते हैं। एक पूरा प्रोसेस है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अभी ई कॉमर्स वाले जितने भी सेलर्स हैं वो इन मार्केट प्लेसेस से एक्सेल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद उसको मैनेज करते हैं, बिजी के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रीकॉम है। तो रीकॉम बेसिकली एक प्रोसेस है कि वो आपके मार्केट प्लेस के डेटा को डायरेक्टली बिजी के अंदर सिंक करता है। नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट प्रीवियस वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो अगर रीकॉम नहीं यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट में। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि आप सेल परचेज के रिटर्न की एंट्री मैनुअली पोस्ट करना पड़ता है या एक्सेल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है। और उससे बड़ा चैलेंज है, आपने एक बार अगर एक्सेल से इम्पोर्ट भी कर लिया तो नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि बल्क में जो आपके पास पेमेंट आ रही है, जो आपको मार्केट प्लेस पेमेंट कर रहा है, बेसिकली हमारे लिए तो वो रिसीट है, लेकिन जो मार्केट प्लेस आपको पेमेंट करता है वो फिर बल्क में करता है, 15, 20, 50, 100 इनवॉइसेस के एक साथ, एक ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में एक पेमेंट करता है। तो उसको मैच करा पाना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके लिए भी अभी करेंट सिनेरियो की बात करें तो लोग वी लुकअप वगैरह लगाकर मैच कराते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क है। फिर उसके बाद कस्टमर को सेटल करना, उसके जितने भी चार्जेस वगैरह हैं, रिटर्न्स हैं, उसको ओरिजिनल इनवॉइस के संग मैनेज करना, मैच करना, वो भी एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। क्योंकि हमें पता ही है कि ई कॉमर्स में क्या होता है कि सेल के साथ साथ जितनी सेल्स भी है उसी के रेशियो में, मतलब रिटर्न्स भी का भी जो रेशियो होता है वो भी काफ़ी होता है, तो उसको मैच करना भी बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है कि किस इनवॉइस कौन सा आइटम आ गया, कौन सा अभी पेंडिंग है। तो ये सबको मैचिंग करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंजेस है। सेपरेट मेंटेन करना डेटा को कि B2B और B2C की सेल्स को। ई कॉमर्स पे भी दो तरीके की सेल्स होती है, एक B2B होती है, एक B2C होती है। अगर आपको दोनों दोनों का अलग अलग बाइफरकेशन चाहिए, सेग्रीगेशन चाहिए, तो आप इजीली, ये भी एक चैलेंज होता है ई कॉमर्स सेलर को मेंटेन कर पाना। नेक्स्ट चैलेंज जो होता है वो होता है कि मार्केट प्लेसेस हमारे कई सारे एक्सपेंसेस चार्जेस डिडक्ट करता है, और अमेजोन वगैरह की हम बात करें तो अमेजोन क्या करता है कि जब भी आपको वो पेमेंट करेगा तो पीछे के कुछ अमाउंट को आपके होल्ड करता है और फिर जो प्रीवियस आपका कुछ अमाउंट होल्ड किया होगा उसको रिलीज करता है। तो ये सब कुछ मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना उन्होंने होल्ड किया था, इस पेमेंट पर कितना रिलीज कर दिया, अभी इस पेमेंट पर जितने भी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में पेमेंट किया उस पर कितना होल्ड किया। तो वो पूरी साइकिल को मेंटेन कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ई कॉमर्स वाले जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो TDS TCS डिडक्ट करते हैं ऑर्डर लेवल पे, वो सब मैनेज कर पाना, ये सब चैलेंजेस हैं जो कि ई कॉमर्स सेलर जो है फेस करते हैं आज के करेंट सिनेरियो में। सो बिजी रीकॉम की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत है बिजी रीकॉम की, हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसमें रीकॉम के थ्रू। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हम ख़त्म कर देंगे कि आपको कोई भी एक्सेल CSV मार्केट प्लेसेस से डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पोर्टल लॉगिन ही नहीं करना इस पर्पज़ के लिए कि आपको एक्सेल डाउनलोड करना है, पेमेंट की एक्सेल डाउनलोड करना है, कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बिजी रिकॉम के थ्रू हम इजीली सारा डेटा सिंक कर लेंगे, कोई थर्ड पार्टी एड ऑन इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने एक छोटा सा एक सर्वे भी किया था तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोग जो है
मतलब डरते हैं एक तरीके से कि हम थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन पर नहीं जाएंगे, थर्ड पार्टी एडोन पे नहीं जाएंगे, हमारा डेटा लीक हो सकता है, वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड लेते हैं हमारे मार्केट प्लेसेस का, तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से रीकॉम में हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व किया हुआ है। हमने लास्ट में भी देखा था कि रीकॉम के केस में भी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं मार्केट प्लेसेस से, तो हम उसमें सेल अपने कस्टमर का, अपने यूजर्स का यूजर नेम ही लेते हैं, सिर्फ पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लेते, वो तो डायरेक्टली आपके पोर्टल पे जाता है, वहां से आपको ऑथेंटिकेट करता है, तो हम यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं लेते हैं। वो आपको जैसे ही आप अपना मार्केट प्लेस बताओगे, वो ऑटोमेटिकली आपके मार्केट प्लेस पर लेकर चला जाएगा और वहां से ही आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने पास सेव नहीं करते आपकी। मल्टी GSTIN डेटा भी रीकॉम मैनेज करता है। वैसे तो हमें पता ही है सबको कि बिजी के एंटरप्राइज मॉडल में आप मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हैं, तो सेम उसी सिनेरियो पर रीकॉम के अंदर भी जो भी ई कॉमर्स हमारे सेलर्स हैं वो मल्टीपल GSTIN है अगर उनका, तो वो भी इजीली रीकॉम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग GSTIN की सेल को, परचेज को डाउनलोड करना है, वो इजीली वहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। मैचिंग बल्क पेमेंट टू ओरिजिनल इनवॉइसेस बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो मल्टीपल ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में हमें पेमेंट करते हैं, तो उन सबको ओरिजिनल इनवॉइसेस के संग मैच करना, मैप करना कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट आ चुकी है, इस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, वो सब कुछ मैच करना भी रीकॉम के थ्रू बेनिफिशियल है, यूजफुल है। और जो सबसे बड़ी चीज है 100% GST कंप्लायंस। आपका पता ही है, हम सभी को पता है कि बिजी इंडिया का नंबर वन GST अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसी बेसिस पर रीकॉम के थ्रू भी हम जितने भी GST कॉम्प्लायंस है वो सब कुछ मैनेज करेंगे, वो भी 100%। रिटर्न्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई डेटा मिसबिहेव नहीं करेगा आपका, कुछ इस तरीके से कोई मैनिपुलेशन वगैरह के चांसेस बिजी रीकॉम के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है कुछ रिक्वायरमेंट्स है बिजी रीकॉम को यूज करने के लिए, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है कि बिजी 21 का रिलीज 10.0 और एबव वर्जन आपके डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे अभी ये 10.0 है, लेकिन हाल ही में कुछ एक और रिलीज आएगी 10.2, तो वो मैंडेटरी हो जाएगी उस केस में कि आपका डेस्कटॉप पर 10.2 इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप रिकॉम प्लगइन को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 10.0 ही मान लेते हैं, तो 10.0 से नीचे अगर किसी का भी है तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। सेकेंड है इंटरनेट कनेक्टिविटी की, इसमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें पोर्ट आपके मार्केट प्लेस से डेटा को डाउनलोड करना है, बिजी के अंदर सेव करना है, उस बीच में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। सो सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है रीकॉम को यूज करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि ये जो अपना रीकॉम है वो स्टैंडर्ड सेफ्रॉन और एंटरप्राइज और एमरेल्ड मॉडल के साथ ही कंपेटेबल है। पीछे की बात करें तो वो बेसिक और ब्लू में भी अवेलेबल था, लेकिन अभी इसको वहां से रिमूव कर दिया गया, कन्फ्यूजन ही ना हो, इसके लिए स्टैंडर्ड सेफ्रॉन और एंटरप्राइज एमरेल्ड मॉडल के संग ये अपना बिजी रीकॉम प्लगइन कंपेटेबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्टिव BLS होना चाहिए आपके सिस्टम पर, तभी आप रीकॉम प्लगइन यूज कर सकते हैं। और लास्ट है कंपनी इन बिजी शुड बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया वालों के लिए यह सिर्फ अभी। आपकी अगर कंपनी इंडिया में बनी हुई है, आपने कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप रीकॉम प्लगइन को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखना होगा कि आपका बिजी का रिलीज कौन सा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है, स्टैंडर्ड सेफ्रॉन और एंटरप्राइज एमरेल्ड के केस में ही चलेगा, बिजी और बेसिक और ब्लू के केस में कंपेटेबल नहीं है, एक्टिव BLS होना मैंडेटरी है, और कंपनी जो आप क्रिएट करोगे वो इंडिया में ही होनी चाहिए, मतलब जो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे वो इंडिया होना चाहिए। अब आते हैं कि रीकॉम प्लगइन के अंदर अभी हम लोग क्या क्या फीचर ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, जैसा कि बिजी का है, बिजी एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, सेम उसी के बेसिस पर रीकॉम प्लगइन भी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आप लोगों ने देखा भी है प्रीवियस वेबिनार्स में, आज फिर से एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो ऑफर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है कि इजिली सेव ऑर्डर्स एंड रिटर्न इनवॉइसेस इन बिजी विद जस्ट वन क्लिक। हमने लास्ट में भी देखा था कि आप एक सिंगल क्लिक पर अपने ऑर्डर्स और रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं और एक ही सिंगल क्लिक पर आप उस ऑर्डर्स एंड रिटर्न को सेव कर सकते हैं। कोई उसमें परेशानी नहीं आएगी आपको कि आपको मैपिंग करना है, एक्सेल के कॉलम से मैप करना है, उसके बाद कितना डेटा आया कितना डेटा नहीं आया, वो सारी प्रॉब्लम आपकी रीकॉम प्लगइन के थ्रू रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप एक सिंगल क्लिक पर अपने ऑर्डर्स और रिटर्न को सेव कर सकते हैं। थर्ड है ऑटो डाउनलोड एंड सेव पेमेंट्स इन द रीकॉम। ये इन्हेंसमेंट हुई है इस बार, हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे बिजी के अंदर हम पेमेंट्स वगैरह भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है रीकॉम के अंदर।
आप सिंपल जैसे आप ऑर्डर एंड रिटर्न को डाउनलोड करते हैं, सेम वैसे ही आप पेमेंट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका मार्केट प्लेस आपको देता है वो पेमेंट्स, वो आप सिंपल एक क्लिक पर डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकाउंटिंग एंट्री उसी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एंट्री भी पोस्ट हो जाएगी। रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वालों के लिए कि उनको मल्टीपल रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में, मतलब कि कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट आ गया, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अभी पेंडिंग है, और उसके बाद जो पेमेंट आया उसमें क्या बाइफर्केशन है, कि कितना प्रीवियस उन्होंने होल्ड किया था वो रिलीज कर दिया, कितने एक्सपेंस उन्होंने डिडक्ट किए, क्या कमीशन उन्होंने डिडक्ट किया, क्या टीडीएस डिडक्ट किया, टीसीएस, और कुछ ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे एक्सपेंस डिडक्ट किए हों, मतलब प्रीवियसली कोई डिडक्ट किया वो वापिस कर दिए हों, ये बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। तो वो सब कुछ भी रिकंसिलेशन रिपोर्ट के थ्रू आपको अवेलेबल मिल जाएंगी रिकॉम के अंदर। तो ये फीचर अभी करेंट में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहला कि आप ऑर्डर एंड रिटर्न्स को डाउनलोड और सेव कर सकते हैं, सेम वैसे ही पेमेंट को डाउनलोड और सेव कर सकते हैं विद बाइफरकेशन, क्या टीडीएस है, क्या कितना टीडीएस कटा है, कितना टीसीएस डिडक्ट हुआ है, क्या एक्सपेंस, क्या कमीशन, सब कुछ आपको बाइफरकेटेड फॉर्म में पूरा सबके अलग अलग लेजर्स, सब अलग अलग रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। और लास्ट है रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स। सो आइए देखते हैं रिकॉम डायरेक्टली बिजी में कि कैसे ये वर्क करता है, और फिर उसके बाद अपन लोग हम लोग अपकमिंग डेवलपमेंट्स वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। सो आ जाते हैं बिजी की स्क्रीन पर। सो एक स्टार्टिंग छोटा सा देख लेते हैं कि हमें जब रिकॉम प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट में भी देखा था, सो इस केस में आपसे सबसे पहले ईमेल आईडी पूछता है। आप ईमेल आईडी बताएंगे, आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करना है। जैसे अगर आपने अमेजोन सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो जैसे ही आप अमेजोन सेलेक्ट करेंगे वैसे ही वो अमेजोन के पेज पर लेकर चला जाएगा, और वहां पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करना है और अलाउ करना है कि वहां से हम डेटा डाउनलोड कर पाए। बस इतना करने के बाद आपकी इंटीग्रेशन डन हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी आप बताओगे, अगर आपके मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्लिपकार्ट पर भी है, उस केस में भी आप ये मेल आईडी सेम ही रखेंगे। ये मेल आईडी सेम रखने का पर्पस यही है कि हम फ्यूचर में अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो इस मेल आईडी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया या रिकवर नहीं हो सकता किसी भी कारण से, तो अगेन आप उसी मेल आईडी के बेसिस पर, जो आप मेल आईडी इनिशियली रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बताएंगे, उसी मेल आईडी के बेसिस पर आप जितना भी प्रीवियसली डाउनलोडेड डेटा था वो वापस से आपके बिजी के अंदर आ जाए। तो ये एक अच्छी चीज है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप ईमेल आईडी बताएंगे तो वो हर एक मार्केट प्लेस के लिए सेम ही रखेंगे। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं वापस से अपनी कंपनी पर। सो हमने लास्ट भी देखा था कि ई कॉम प्लगइन, अब आप देखना इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, सारे बटन्स वगैरह अपने राइट प्लेस पर फिट हो चुके हैं। आप जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर ओपन होगा और ये सारी सिस्टम आपको शो करेंगे, जितने भी बटन्स होंगे वो प्रॉपरली सेटेड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना है ऑर्डर एंड रिटर्न, आप सिंपल इस बटन पर क्लिक करके अपने रिटर्न एंड ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पेमेंट्स डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड सेटलमेंट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स पर क्लिक करके सिंपल रिपोर्ट देख सकते हैं, और ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ इस तरीके से आप ऊपर देखोगे तो ये आपको एक स्क्रीन शो होगी, इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिसमें आपको ये मेंशन होगा कि वैलिडिटी आपकी कब तक की है, आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, ये सब पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्लान अवेलेबल है। बट फिलहाल कुछ इस तरह से शो होगा कि आपका एक्टिव प्लान कौन सा है, आपने प्लान ए लिया है, प्लान बी लिया है, प्लान सी या प्लान डी, एलिजिबल काउंट्स कितने हैं, कंज्यूम्ड ऑर्डर काउंट कितने हैं, और बैलेंस आपके कितने काउंट अवेलेबल हैं। तो वो इस तरह से आपको एवरी टाइम आपको वो इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है चेंज ईमेल आईडी। जैसे कि अगर कल को आपको ईमेल आईडी चेंज करना हो तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है मार्केट प्लेस। अगर आपको ऑलरेडी आपने कुछ मार्केट प्लेसेस ऐड कर रखा है, अभी आपको एक दो मार्केट प्लेस और ऐड करना है, तो आप सिंपल ऐड मार्केट प्लेस पर क्लिक करके आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको अमेजोन पर मार्केट प्लेस ऐड करना है, फ्लिपकार्ट पे करना है, शॉपिफाई पे करना है। आपने कहा अमेजोन पे करना है तो आप अमेजोन करेंगे। और निक नेम, निक नेम यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कोई भी रिपोर्ट्स ओपन करेंगे या ऑर्डर वगैरह डाउनलोड करेंगे, पेमेंट डाउनलोड करेंगे, वो सभी जगहों पर निक नेम का बहुत बड़ा रोल है।
मतलब अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो अगर आपके अमेजोन पे मल्टीपल अकाउंट्स है, 2 से 3 अकाउंट है, तो आपको कौन से अकाउंट की डिटेल्स को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको निकनेम का बहुत बड़ा रोल आएगा। सो आप यहाँ पर निकनेम बता सकते हैं, अमेजोन का क्या निकनेम आपको रखना है वो आप अपने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने समझने के लिए आप यहाँ पर बता सकते हैं। और जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे वो आपको अमेजोन के पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। पीसी के अंदर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, रीस्टोर मार्केट प्लेस। यही अगर आपकी कंपनी डिलीट हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई आपकी कंपनी के अंदर, तो वापस से आप उस कंपनी को रीस्टोर कर सकते हो। तो जितना भी डेटा आपने डाउनलोड किया होगा वो वापस से इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मार्केट प्लेस लिंक करना है, कुछ टाइम के लिए आपने उसको कैंसिल कर दिया था, तो वापस से आप उसको लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। पेमेंट की कन्फिग्रेशन करना है, ऑर्डर की कन्फिग्रेशन करना है, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपको ऑर्डर की कन्फिग्रेशन करना है तो आप यहाँ पे वो सारी डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने निकनेम बता दिया अमेजोन, अमेजोन बताया, यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल GSTIN मैनेज करना है आप इसको यस करके यहाँ पर मल्टीपल GSTIN मैनेज कर सकते हैं। सेल वाउचर सीरीज B2C के लिए कौन सी रखनी है और B2B के लिए कौन सी रखनी है, वो आप दोनों अलग अलग बाइफरकेशन बता सकते हैं। रिटर्न मीन्स सेल रिटर्न जो आएगा उसको किस वाउचर सीरीज में लेके जाना है, तो वो भी आप यहाँ पे अलग अलग सीरीज बता सकते हैं। सेल टाइप क्या होनी चाहिए, बेसिकली इसमें दो ही सेल टाइप को अलाउ किया गया, आइटम वाइज और टैक्स इंक्लूसिव। तो आप यहाँ पे सेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आइटम वाइज लेना है या टैक्स इंक्लूसिव लेना है, वो आपकी चॉइस है। सेम ऐसे ही सेंट्रल सेल टाइप, वो आपको क्लियर ही है कि सेल टाइप क्या होता है, ऐसे ही आपको लोकल के लिए और सेंट्रल के लिए दोनों के लिए आपको सेल टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आता है पार्टी नेम, आप यहाँ पे अपनी पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली बिल टू और शिप टू, तो यहाँ पे बिल टू वाली जो भी पार्टी आप रखना चाहते हैं वो आप पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन आपको इनेबल करना है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, आपको भी देखने के पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे बता सकते हो कि ऑर्डर आईडी आपको कौन से वाउचर ऑप्शनल फील्ड पे रखना है, इसको हमने इसके लिए फ्री छोड़ा हुआ है कि आप अपने मन मुताबिक ऑप्शनल फील्ड बता सकते हैं। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, वो ऑलरेडी 5 से 6 ऑप्शनल फील्ड यूज कर रहा हो, तो फिर यहाँ पर आप बता सकते हो कि उसकी ऑप्शनल फील्ड जो होगी ऑर्डर आईडी की 7 होगी, ऑर्डर रिटर्न डेट की 8 होगी, और ऐसे ही 9 और 10। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रॉपर, आप जब भी वाउचर को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर रिटर्न की डेट क्या थी, क्रेडिट नोट कोई नंबर वगैरह है तो वो, ऑर्डर आइटम आईडी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद अगेन जब आप अब आते हैं पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये इन्हेंसमेंट है, इसके अंदर अब पेमेंट को भी ऐड कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे तो अमेजोन नाइसा के लिए करना है या फ्लिपकार्ट के लिए करना है, आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी सेम है, ये सारी डिटेल्स आपकी जनरल वाउचर के अंदर सेव होंगी। तो यहाँ पे आप उसकी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ये किस पार्टी के लिए है, तो जैसे कि यहाँ पे अमेजोन सेलेक्ट कर लिया हमने, कौन से बैंक आपने लिंक कर रखा है उस मार्केट प्लेस के साथ वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और उसके बाद इसके सारे अकाउंट्स, TDS के लिए कौन सा अकाउंट है, TCS, IGST के लिए कौन सा अकाउंट है, सेम ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। ये सिंपल है, आप जैसे नॉर्मल जो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दें। और अगर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपल F3 करके यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे रिजर्व अकाउंट, अब अमेजोन के केस में होता है कि वो हर पेमेंट पर और सेलर की क्रेडिट क्रेडिबिलिटी पर वो आपके कुछ अमाउंट को होल्ड करता है, तो उसके लिए भी अगर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करके चलना है, जैसे अगर कल को आपको देखना हो कि कितना ऐसा मेरा अमाउंट है जो कि अमेजोन के पास होल्ड है, तो आप उसके लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर लो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लिया करेंट एसेट्स के अंदर और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये तो था अकाउंट्स, अब आते हैं जो एक्सपेंसेस हमारे जो मार्केट प्लेसेस डिडक्ट करते हैं उसके अकाउंट्स बताने की बात होती है। यहाँ पे मिसलेनियस इनकम, अब आप सोचोगे कि यार इसमें इनकम की कौन सी बात हो गई, मिसलेनियस इनकम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कोई एडवर्टीजमेंट आपको चलाना या कोई कैंपेन चलाना, तो अमेजोन वगैरह की तरफ से ऑफर्स आते हैं कि 50-50 कर लेते हैं इसमें, पहले तो आप पे करोगे बट फिर नेक्स्ट टाइम आपको रिफंड होगा, और कुछ भी ऐसा, और भी ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं, या कोई ऑफर्स, प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं जो अमेजोन ने आपको दिए हुए हैं कि आपकी सेल अच्छी है तो हम आपको ये ऑफर्स देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आप मिसलेनियस इनकम का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे ही कमीशन फीस, कुरियर फीस,
फिक्स्ड फीस, कलेक्शन फीस और अदर एक्सपेंसेस, ये मल्टीपल अकाउंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे अपने अकाउंटिंग के बेसिस पर अकाउंट्स को टैग कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट करो अलग अलग के लिए, जैसे कमीशन फीस के लिए कमीशन पेबल, कुरियर फीस के लिए कुरियर पेबल, या आप चाहो तो एक ही अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपके अकाउंटिंग की नेचर के ऊपर है कि आप किस बेसिस पर अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब आते हैं ऑर्डर एंड रिटर्न्स। सो अगर आपको अमेजोन का ऑर्डर एंड रिटर्न्स डाउनलोड करना है तो आप सिंपल ऑर्डर यहाँ पे अमेजोन निकनेम सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे निकनेम का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी अभी हम लोग रिपोर्ट भी देखेंगे तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपसे निकनेम पूछेगा। कोई भी पेमेंट आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी निकनेम का ऑप्शन आएगा। तो निकनेम का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। आपको प्रॉपर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर निकनेम स्पेसिफाई करना है। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, आपको कब से कब तक का ऑर्डर डाउनलोड करना है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने लास्ट कब तक का ऑर्डर डाउनलोड कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर और रिटर्न सेव्ड टिल 19 फेब तक का आपने डाउनलोड कर रखा है ऑर्डर को। कोई नहीं, एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यही ले लेते हैं 2021, और ऑर्डर एंड रिटर्न्स दोनों डाउनलोड करना है। आपने दोनों पे टिक लगा दिया और सिंपल डाउनलोड। तो आप देखोगे इसकी स्पीड भी अगर आप देखो, मतलब अगर हम एक्सेल से अगर इसकी स्पीड को कंपेयर करें तो ये बेटर है रिकॉम प्लगइन। आप अगर एक्सेल में भी डाउनलोड कॉलम्स बताने के बाद आप उसको सेव करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एज कंपेरिजन टू रिकॉम प्लगइन। और ये अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पे आप देखोगे इसको इस पीरियड के बीच में कोई नई आइटम मिल गई जो कि बिजी के अंदर बनी हुई नहीं है या क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपको किसी आइटम के संग मैप करना है या क्रिएट करना। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, और अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है किसी और आइटम के संग टैगिंग करना चाहते हो तो आप मैप भी कर सकते हो। सो इस तरह से आपने इसको सेव कर दिया और मास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे डाउनलोड हो गए। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसकी समरी है कि 58 ऑर्डर्स हैं, एक रिटर्न है और टोटल 59 है, जिसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है स्क्रीन पर ही। अब आपको इसको सेव करना है। आपने इसको सेव किया एंड यस, तो आप देखो यहाँ पे सेविंग ट्रांजेक्शन की स्पीड आप देख सकते हो बेसिकली कि 59 टोटल ऑर्डर्स हैं, और ये स्पीड आप देखो सेकेंड सेकेंड से भी कम समय ले रहा है एक एक ऑर्डर को सेव करने में। और इस तरह से आपके सारे ऑर्डर्स आपके बीसी के अंदर सेव हो गए। सो ये था हमने डाउनलोड किया ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स को। सेम ऐसे ही अब देखते हैं सेटलमेंट्स। सेम सेटलमेंट के केस में भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने लास्ट कब तक का ऑर्डर सेव किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है अपने पेमेंट को। सो यहाँ पे भी आप डेट मेंशन करोगे 25/1/2 टिल डेट। अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जैसे जैसे पेमेंट डाउनलोड होती जाएगी वैसे वैसे आपको स्क्रीन पर शो भी होगा पेमेंट डेट, कब आपको पेमेंट मिली, सेटलमेंट आईडी क्या थी। सेम वैसे ही 5 फेब को आपको जो पेमेंट मिली उसकी सेटलमेंट आईडी क्या है, 12 फरवरी का जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है उसकी सेटलमेंट आईडी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो होगा। और इसी के साथ साथ आप देखो, अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट डेट, सेटलमेंट आईडी, प्रीवियस होल्ड अमाउंट, आपका पीछे का कितना अमाउंट अमेजोन ने होल्ड कर रखा है वो इस बार रिलीज किया तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पीरियड की सेल कितनी थी, नेट सेल टोटल ये आ गई, एक्सपेंस कितना डिडक्ट हुआ ये आ गया, TDS, TCS, सर्विस एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ, ये सबको ऐड करके टोटल एक्सपेंस आ गया, और इस बार कितना होल्ड किया उसने तो वो करेंट होल्ड में आ गया। कोई अगर आपकी इनकम हुई है उस पीरियड में तो वो इनकम शो करेगा, और सेटल्ड अमाउंट आपके बैंक में कितना पैसा आया हुआ है वो आपको यहाँ शो करेगा। इतना ही नहीं है, आप अगर 29/1 पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे देखोगे वो सेटलमेंट आईडी कौन कौन से मल्टीपल ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में है, वो आपको नीचे सारे वाउचर शो होता है ना। आपका एक ऑर्डर है उसकी एक ऑर्डर आईडी हो गई, फिर सेकेंड ऑर्डर है उसकी नेक्स्ट ऑर्डर आईडी हो गई, तो दोनों ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में एक सेटलमेंट आईडी, मतलब 100 रुपये का एक ऑर्डर था, 200 रुपये का एक ऑर्डर था, टोटल 300 का था, तो अमेजोन ने आपको 300 रुपये टोटल दे दिए तो उसकी एक सेटलमेंट आईडी हो गई। तो वो कौन कौन से ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में है वो आपको यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर आइटम आईडी वाइज डिटेल ऑफ सेटलमेंट आईडी। तो सेटलमेंट आईडी हमारी 472 लास्ट में है, और उसके जितने भी ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप समरी देख सकते हो कि टोटल की समरी कितनी, मतलब जितने भी हमने सेटलमेंट्स डाउनलोड किए उसका प्रीवियस रिजर्व कितना था, मीन्स सबका टोटल,
नेट सेल कितनी थी, एक्सपेंस अमाउंट कितना है, टीडीएस अमाउंट कितना है, टीसीएस कितना है, सर्विस एक्सपेंस कितना, वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। इसमें भी दो ऑप्शन है, आपको टोटल का देखना है तो आप टोटल भी देख सकते हो, और सेलेक्टेड सेटलमेंट देखना है तो उसका भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेकेंड वाला सेटलमेंट सेलेक्ट किया तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। थर्ड किया तो यहाँ पर आपको उस थर्ड वाले की सेटलमेंट जितनी भी होंगी उसका सेटलमेंट सब कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा, और उसी सेटलमेंट आईडी के अगेंस्ट में जितने भी ऑर्डर आईडी होंगे वो सारे आपको नीचे शो हो जाएंगे। तो एक ही स्क्रीन के ऊपर आप मल्टीपल चीजों को चेक कर सकते हैं। अब इस सेम ऐसे ही अगर इसको भी डाउनलोड सेव करना है, आप सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उससे पहले इसमें भी दो ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि क्या आपको इसकी अकाउंटिंग करानी है, मीन्स आपको अपने बीसी के अंदर उस डेटा को सेव करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट अकाउंटिंग का, अगर आप इस पर से टिक हटा देंगे तो जनरल वाउचर वो पोस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो इजीली आप उसको देख पाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है, आपको पोस्ट अकाउंटिंग करनी है मीन्स अगर आपको अपने बीसी के अंदर जनरल वाउचर पोस्ट कराना है तो आप पोस्ट अकाउंटिंग पर टिक लगा सकते हैं, और अगर वैसा नेचर नहीं है आपका तो आप इस पर से टिक हटा भी सकते हैं और उसके बाद इसको सेव करेंगे। अब ये ऑलरेडी वाउचर सेव्ड है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको हम सिंपल ओवरराइट ऑल कर देते हैं। सो ये जितनी भी हेडेक है आपकी कि आपको बल्क में पेमेंट आता है, कौन कौन से ऑर्डर का पेमेंट आ गया, कौन कौन से ऑर्डर का पेमेंट अभी पेंडिंग है, कितना एक्सपेंस मेरा डिडक्ट हुआ, कुछ पता नहीं चलता है उस केस में, तो बहुत ज़्यादा उस पर वर्किंग करनी पड़ती है एक्सेल्स पे, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं वो भी एक्यूरेट होता है कि नहीं होता उसकी भी कोई मतलब क्रॉस करेक्शन नहीं होता। लेकिन इस केस में आपका 100% श्योर है कि आपका जो भी डेटा होकर आ रहा है वो सारा आपका पोर्टल से ही फैच होकर आ रहा है, तो इसमें मैनुअल एरर्स के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेटलमेंट सेविंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, आपके जितने भी पेमेंट्स आए हुए थे उस पीरियड के बीच में वो सारे आपके बिजी के अंदर सेव हो गए। सो आप सिंगल क्लिक पर ऑर्डर एंड रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पर आप सेटलमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी टीडीएस टीसीएस के जो भी आपका डिडक्शन हुआ है वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। अच्छा, अब मेन आते हैं रिपोर्ट्स पर। सो करेंट में अभी हमने जो रिपोर्ट्स दिए वो दो अवेलेबल है, सबसे पहली है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस और सेकेंड है सेटलमेंट रिपोर्ट। थर्ड आपको स्क्रीन पर शो हो रही है ऑर्डर लिस्टिंग, ये अभी अवेलेबल नहीं है बट हाल बहुत जल्द आ जाएगी। 10.2 जब अपना आएगा बिजी का रिलीज 10.2, उसमें ये भी लाइव हो जाएगी। तो बेसिकली ऑर्डर लिस्टिंग में आप अपने ऑर्डर की लिस्ट को देख सकते हो, जैसे हम बिजी के अंदर सेल की लिस्ट, पेमेंट की लिस्ट देखते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी आप ऑर्डर की लिस्ट देख सकते हो। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर। सो अब आप देखो हर रिपोर्ट में आपको निकनेम का सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कौन से निकनेम का देखना चाहते हो, मीन्स कौन से मार्केट प्लेस में कौन सा अकाउंट देखना चाहते हैं। यहाँ पे डेट मेंशन कर लेंगे, इस पे अपन ले लेते हैं 31st 1 से अब तक। अगर अब यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बेसिकली ये रिपोर्ट का एक ओवरव्यू आप लोगों को समझा देते हैं कि इस रिपोर्ट में आएगा क्या। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली यही आपको पता चलेगा कि कितने ऑर्डर थे, उसके अगेंस्ट में किसकी किसकी पेमेंट आ गई, कौन कौन सा पार्शियली क्लियर्ड है, कौन कौन सा फुल्ली क्लियर्ड हो चुका, या कौन सा अभी भी पेंडिंग है। तो वो बेसिकली आप एक ही रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। आप अगर इसको बिजी से भी कनेक्ट करो तो अपनी बिजी में एक आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट आती है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की, जहाँ पे भी आप देख सकते हो आपकी किस पार्टी से पेमेंट क्लियर हो चुकी है, पार्शली क्लियर्ड है या फुल्ली क्लियर्ड है। तो सेम वही रिपोर्ट है, बस इसमें ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है फिल्टर लगाने का, आपको ऑल देखना है, फुल्ली सेटल्ड, पार्शली सेटल्ड या पेंडिंग। फिलहाल ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। शो आइटम, आपको अगर आइटम भी चेक करना है आप यस कर सकते हैं। सेम शो एक्सपेंस ब्रेकअप, अगर आपके जितने भी ब्रेकअप्स लगे हुए हैं उसको भी, उसका भी बाइफर्केशन चाहिए तो आप यहाँ इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। और इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू ₹1, वो आप राउंड ऑफ वगैरह का अगर कोई अमाउंट कोई मिसमैच है अगर उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो वो इग्नोर कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे। ये रिपोर्ट ओपन होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर डेट क्या थी, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आइटम आईडी, क्योंकि हमने आइटम का ऑप्शन यस कर लिया शो आइटम तो वहाँ पे ऑर्डर आइटम आईडी भी शो हो रही है। आप उसको नो कर देंगे तो फिर ये ऑप्शन, ये कॉलम शो नहीं हो। एक बार इसको स्टॉप कर, सो इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं, फिर वो ऑर्डर आइटम आईडी को अपन लोग बंद कर देंगे जिससे कि वो रिपोर्ट प्रॉपरली ओपन हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ऑर्डर डेट क्या थी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम आईडी। ऑर्डर आईडी और ऑर्डर ऑर्डर आइटम आईडी क्लियर ही है कि एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आइटम आईडी हो सकते हैं, तो इसके लिए दोनों का अलग अलग ऑप्शन है। आइटम नेम क्या है, स्टेटस क्या शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी ऑर्डर्स हैं आपके फुल्ली सेटल्ड है, पार्शियली सेटल्ड है
या अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई रिफंड हुआ है अमाउंट, तो यहाँ पे आप रिटर्न अमाउंट भी देख सकते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन था, क्योंकि वो हमने रिपोर्ट जब ओपन किया था वो सारे ऑप्शन को येस करके ओपन किया, इसके लिए वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे आप कि आपका एक्सपेंस परसेंटेज भी यहाँ पर शो होगा कि इस वाउचर पर, इस ऑर्डर पर आपके कितने एक्सपेंस के परसेंटेज डिडक्ट हुआ, मतलब 17% आपका डिडक्ट हो गया। टीडीएस कितना, टीसीएस अगर कुछ है तो, कमीशन कुछ है तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा, कुरियर फी, फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बाइफरकेशन इसमें मिल जाएगा। अब सेम ऐसे इसको एक बार शॉर्ट रेंज में ओपन करते हैं, 31st 1 टू 31st 1 का ही ओपन कर लेते हैं एक बार, ये दोनों ऑप्शन को नो करके। अब इसमें आप देखोगे अगर आपको किसी को भी ड्रिल डाउन करके अगर अंदर भी जाना है, उसकी डिटेल भी देखना है, तो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिंपल ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर आईडी आपको सर्च करना है तो आप सर्च तो कर ही सकते हो सारी रिपोर्ट के अंदर। अब जैसे ये ऑर्डर आईडी है, इसमें आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर का अमाउंट था 71969, इसमें टोटल एक्सपेंस इतना हो गया, 32% एक्सपेंस डिडक्ट हो गया और 488 मेरे अमाउंट जो है रिसीव हुआ है। अब अगर आपको इसको और डिटेल्ड में देखना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप बिजी में देखते ही हो कि हर रिपोर्ट्स को आप ड्रिल डाउन करके एक एंड तक पहुंच सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो इस ऑर्डर आईडी में मल्टीपल ऑर्डर आइटम आईडी थी, तो किसका किसका पैसा आया, किसका किसका अभी पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको 31st का ऑर्डर डेट था, सेल हुई थी 233 की, सेटलमेंट 156, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। सेम ऐसे ये था, इसमें 150 आया, सेम ऐसे 253 का एक आइटम था, उसका 182 आपके अकाउंट में आ गया। और इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो फिर वो आपका वाउचर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल वाउचर जैसे हम बनाते हैं सेम वैसे ही वो सेव होगा। और अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह से वो, जैसे भी आपने अकाउंट की टैगिंग करी हुई है उसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली एक जनरल वाउचर पोस्ट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो सेटलमेंट का रेफरेंस नंबर और निकनेम, कि कल को अगर आपको एड ऑन के बाहर जाकर भी देखना है, प्लगइन के बाहर भी देखना है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाए। ऐसे ही आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको कोई एक और देख, कोई पेंडिंग वाले भी देख लेते हैं ऐसे ही, सो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली सेटल्ड वाले अभी देखे थे, अब जो भी पेंडिंग वाले होंगे वो भी आपको सेम इसी रिपोर्ट में शो हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाहर कोई अभी फिल्टर नहीं लगाया, यूज नहीं किया हुआ। तो आप देखोगे 10-2 का एक ऑर्डर था जो कि इसकी अभी पेमेंट पेंडिंग है, ये सारे ऑर्डर्स हैं जिसकी अभी पेमेंट पेंडिंग है। कुछ अगर पार्शियली क्लियर्ड है तो वो भी आपको शो कर जाएंगे कि ये इसमें से कुछ अमाउंट आ चुका है, कुछ अमाउंट पेंडिंग है। अगर हम इसको ओपन करके चेक करें पार्शियली सेटलमेंट में, तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आइटम आईडी थी, किसका पेमेंट आ गया किसका पेमेंट नहीं आया वो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे इस ऑर्डर आइटम आईडी के अगेंस्ट में आपकी पेमेंट हो चुकी है, सेम ऐसे इस ऑर्डर आइटम आईडी के अगेंस्ट में आपकी पेमेंट हो चुकी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के थ्रू आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है, कौन कौन से ऑर्डर पार्शियली सेटल्ड हो चुके हैं और कौन कौन से ऑर्डर फुल्ली सेटल्ड हो चुके हैं विद एक्सपेंसेस के बाइफरकेशन के साथ, कि आपका कितना परसेंट बाइफर एक्सपेंसेस डिडक्ट हो रहा है, जिससे आपको एनालिसिस वगैरह करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेकेंड रिपोर्ट देखते हैं, सेटलमेंट रिपोर्ट। सेटलमेंट रिपोर्ट बेसिकली जो अभी हमने पेमेंट डाउनलोड किया उसके बेसिस पर है कि आपने कितनी इस पीरियड में, इस डेट रेंज में कितनी पेमेंट जो डाउनलोड करी उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, कि आपने पेमेंट डेट 5 तारीख को, 5 फरवरी को आपको एक पेमेंट मिला जिसकी सेटलमेंट आईडी ये है, प्रीवियस कितना होल्ड किया हुआ था अमेजोन ने, नेट सेल कितनी थी उस पीरियड में जिसका इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, एक्सपेंस अमाउंट, सर्विस एक्सपेंस, करेंट होल्ड, फिर कितना अमाउंट इन्होंने करेंट में होल्ड कर लिया, कोई मिसलेनियस इनकम है तो वो, और रिसीव्ड आपके बैंक में कितना पैसा आया, तो वो भी आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, ये रिपोर्ट है। इस पर अगर आपको ड्रिल डाउन करके देखना है, आप सिंपल इस पर एंटर करके, ये जो अब जैसे कि आपने यहाँ पे आप देखो सेटलमेंट आईडी है, हमने जब रिपोर्ट भी डाउनलोड करी थी तब भी वहाँ पर नीचे आप देख रहे थे कि एक ही सेटलमेंट आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आईडी थी, तो अब उसकी डिटेल देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर का पेमेंट आ चुका है मेरे पास, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक समरी फॉर्म में मिल जाएगा कि प्रीवियस रिजर्व अमाउंट आपका इतना था, करेंट रिजर्व अमाउंट आपका उन्होंने इतना होल्ड कर लिया, और सर्विस कुछ सर्विस का कोई एक्सपेंस है वो इन्होंने आपको रिलीज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल ऑर्डर आईडी है,
उसी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आइटम आईडी है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो एक ही ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आइटम आईडी, मतलब एक ही ऑर्डर के अंदर दो आइटम थी, तो उसका क्या क्या अमाउंट है, कितना उसका एक्सपेंस है, क्या टीडीएस है, कितना टीसीएस है, कोई इनकम अगर हुई है तो, और सेटलमेंट अमाउंट। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स इसको चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 758 का वो आइटम की वैल्यू थी, जिसमें आपका टोटल एक्सपेंस 200 रुपये डिडक्ट हो गया, 6 रुपये कुछ पैसे टीडीएस डिडक्ट हो गया, कुछ टीसीएस डिडक्ट हो गया, और आपके बैंक में जो अमाउंट आया वो 545.31 रुपीज़ आए हुए हैं, सेम ऐसे ही सेकेंड वाले में। तो इस तरह से वो पूरी डिटेल्ड फॉर्म में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको किसी और आइटम का ऑर्डर आईडी का देख सेटलमेंट आईडी का देखना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 45,000 रुपये आपके प्रीवियस रिजर्व अमाउंट था जो कि रिलीज हो गया होगा, करेंट में इन्होंने फिर 50,000 इन्होंने रिजर्व कर लिया, और कोई सर्विस एक्सपेंस है जो कि रिलीज कर दिया। तो इस तरह से वो सारी डिटेल्स को आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो इसमें एक ही ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में 1, 2, 3, 4 चार आइटम आईडी है, मतलब एक ही ऑर्डर में आपके चार आइटम होंगे तो उसकी अलग अलग आइटम आईडी हो गई, ऑर्डर आइटम आईडी और उसकी सारी बाइफरकेशन। तो एक डिटेल्ड फॉर्म में कोई मैनुअल एफर्ट्स नहीं करना आपको, एक सिंपल एक बटन प्रेस करना है, आपका पेमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आपका ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बन जाएगी। ना कोई वीलुकअप लगाना है, ना ही कोई 2, 3, 4, 5 एक्सेल मेंटेन करना है जिसमें आपको डेटा स्टोर करके रखना पड़े और फिर उसके बेसिस पर आप एनालिसिस करो, सब कुछ आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। सो बेसिकली ये था अपना कि हम क्या क्या अभी रिकॉम प्लगइन के अंदर दे रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि डाउनलोड ऑर्डर एंड रिटर्न का ऑप्शन दे दिया, आप सिंपल एक क्लिक करो और आपकी ऑर्डर और रिटर्न डाउनलोड हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने सेटलमेंट भी डाउनलोड करके देखा, ये हमारी एनहेंसमेंट है इस बार की कि हमने इसके अंदर सेटलमेंट का भी ऑप्शन दे दिया, आप सिंपल एक क्लिक पर अपनी पेमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आप मल्टीपल जितने भी आपके एक्सपेंस हुए, कमीशन कितना डिडक्ट हुआ, वो मार्केट प्लेसेस की फिक्स्ड फी कितनी थी, वो सब कुछ आपको बाइफरकेटेड फॉर्म में एक ही रिपोर्ट के अंदर सब कुछ शो हो जाए। और थर्ड हमने देखा कि रिपोर्ट्स, इसमें अभी हमने करेंट में 2 रिपोर्ट्स लाइव कर दी है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस और सेटलमेंट रिपोर्ट। ऑर्डर लिस्टिंग बहुत जल्द लाइव हो जाएगी और इसी के साथ साथ और भी अपकमिंग डेवलपमेंट्स वो एज पर योर फीडबैक्स वो चलते रहेंगे। सो ये था अपना आज का रिकॉम प्लगइन।